पत्नी के शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो पति ने पीट पीट कर फावड़े से शरीर में सैकड़ों बार कर उतार दिया मौत के घाट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शहडोल में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी को शराब के पैसे नहीं देना जानलेवा साबित हो गया। गुस्से में पति ने पहले डंडे से पीटा, इतने में भी उसका मन नहीं भरा तो पत्नी को फावड़े से सैकड़ों वार कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि पति के नशे की लत है। सनसनीखेज घटना शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के सेमरा गाँव की है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पति को बुढ़ार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के सेमरा गाँव में अपने नाना के घर पत्नी चंदा उर्फ राजकुमारी बैगा अपने पति गयादीन बैगा के साथ रह रही थी। आए दिन पति शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। पति की हरकत से परिवार के लोग काफी परेशान रहते थे। इसी बीच पति गयादीन शराब पीने के लिए पत्नी से पैसों की मांग करने लगा। पत्नी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। यह बात गया को नागवारा गुजर गई और आवेश में आकर पहले तो पत्नी को दंड से पिटाई किया, इतने भी उसका मन नहीं भरा तो वह पास में रखे फावड़े से पत्नी के शरीर पर कई बार कर दिए जिससे वह लहूलुहान हो गए। इससे बीच हल्ला सुनकर पड़ोसियों ने बीच बचाव कर मामले की जानकारी बुढ़ार पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बुढ़ार पुलिस ने महिला को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के चंद घंटों बाद महिला ने दम तोड़ दिया, जिस पर बुढ़ार पुलिस ने आरोपी पति पर धारा 307-302 के तहत मामला दर्ज कर उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।